अभी हम एजुकेशन हब के नाम से जाने जाने वाले चंदमारी मोतिहारी में हैं और एमएस कॉलेज गेट के सामने हैं और यहाँ चंपारण का नंबर वन यशस्वी कोचिंग संस्थान के पास है। ये एक ऐसा मोतिहारी का 10th क्लास का कोचिंग है जहाँ पे हर साल बच्चे टॉप कर जाते हैं। पता नहीं सर कैसे पढ़ाते हैं उन लोगों को, कैसे मतलब ट्रेनिंग समझिए देते हैं, क्या खिला देते हैं, क्या पिला देते हैं कि बच्चे हर साल टॉप कर जाते हैं। सर से जानेंगे कि मतलब कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं कि हर साल, एक साल नहीं, हर साल बच्चे यहाँ से टॉप करते हैं। यशस्वी कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर आर मिश्रा सर है, जानेंगे कि हर साल ये बच्चों को, हर साल, एक साल नहीं, हर साल बच्चों को मोतिहारी में नंबर वन यानी सबसे ज़्यादा टॉपर आप कैसे दे देते हैं। सबसे पहले मैं आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, प्रतिदिन 4 घंटे का क्लास करवाते हैं और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शिक्षकों की व्यवस्था है मेरे पास। 4 घंटे क्लास के अलावे 2 घंटे का डाउट सेक्शन देते हैं और बच्चे को बार बार मोटिवेट करके और बच्चे लोगों से हम लोग मेहनत करवाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका कहीं से लिंक वंक है, ऐसे करवा देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, आप जो भी बच्चे हैं हमारे, उन सही बच्चों से आप बात कर सकते हैं, जो भी प्रश्न है आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कहने वाले जो कह रहे हैं उनको कहने दिया जाए। कितने साल से कोचिंग चला रहे हैं आप? मुझे 8 साल हो गया कोचिंग को चलाते हुए। यशस्वी कोचिंग संस्था जो है वो 7 सालों से चल रहा है और उसके पहले 1 साल हमने मनस्वी कोचिंग संस्थान को चलाया था। अच्छा, मतलब अलग अलग टीचर है, अलग अलग सब्जेक्ट है कि आप ही सब? प्रत्येक विषय में अलग अलग शिक्षक है और काफ़ी बेहतर शिक्षकों की टीम के द्वारा यहाँ पर संचालन किया जाता है कक्षाओं का। चलिए सर थे, अब बच्चे से जान लेते हैं कि बच्चे किस तरह से तैयारी किए हैं, किस तरह से उनका मार्क्स आया है। तो सबसे ज़्यादा आपका नाम क्या है? प्रियांशु कुमार। अच्छा, कितना मार्क्स आया है? 462। 462 नंबर आया है। तो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आया है? मैथ में। यानी मैथ सर ही पढ़ाते हैं? हाँ, मैथ सर। तो किस तरह से सर पढ़ाए हैं, मतलब सर का श्रेय ज़्यादा है कि आपका श्रेय ज़्यादा है? मतलब सर का श्रेय ज़्यादा है। अच्छा, आप मेहनत नहीं किए तो सर का ज़्यादा श्रेय है? हाँ, भी मेहनत किए थे। अच्छा, तो आगे क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? IAS अभी करना है। अच्छा, आपका कितना नंबर आया है? मेरा 414 आया। अच्छा, किस तरह से तैयारी किया, कितना देर पढ़ते थे? हम 4 घंटा पढ़ते थे। 4 घंटा पढ़ते थे और 4 घंटा कोचिंग में? 8 घंटा। जी जी। अच्छा, और भी आपका कितना मार्क्स आया है? 408। नाम क्या है? अमित कुमार। अच्छा, इसी कोचिंग में पढ़ते थे? यस। दूसरे कोचिंग में भी पढ़ते थे? नहीं, तो इसी कोचिंग। या दूसरे कोचिंग में गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, नहीं गए थे, डायरेक्ट इसमें आए थे। मतलब आपका कितना मार्क्स है? 432। आपका कितना, मतलब इसी कोचिंग से पढ़े हैं? जी। कितना नंबर आया थी, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होता है बता दीजिए? साइंस होता है, सोशल साइंस, मैथ, मतलब ऑल सब्जेक्ट, 10th का जितना भी सब्जेक्ट होता है ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होता है। सबसे ज़्यादा किस में आया है? सबसे ज़्यादा सोशल साइंस। सोशल साइंस में? चलिए, आपका कितना आया है? 427। मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत आप किए हैं कि सर? सर आश्रय देते थे, हम लोग मेहनत करते थे। सर मेहनत करते थे कि नहीं? करते थे। जी। कितने सर हैं कोचिंग में? जो टोटल 7 सर हैं। 7 सर हैं, सब्जेक्ट 5 और सर 7। सर ऑल इंग्लिश का भी है, फिजिक्स में 3 सर है, तो अलग अलग सर है फिजिक्स साइंस का। आपका कितना है? 459। अच्छा, श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर को। माता पिता को? उन्हें भी जाता है। अच्छा, आगे क्या करिएगा? आगे वही बनेंगे जिसपे हमारा मन है, मतलब जिस इंटरेस्ट है। क्या चीज़ पे इंटरेस्ट है वो तो अभी नहीं बता सकते हैं। अच्छा, जब बनेंगे तब आपने ही पता चल जाएगा। अच्छा, आपका कितना? 407। क्या नाम हुआ आपका? शिवम कुमार। आगे क्या करिएगा? CA की तैयारी, कॉमर्स लेकर। सर को क्या कहिएगा? सर को, सर को यही देना चाहते हैं कि वो हम लोग को पीछे हर वक्त पर लॉकडाउन भी लग चुका था, उससे बावजूद भी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर हम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद ये हम कहना चाहते हैं कि हम लोग हर टाइम हम लोग के साथ मिल जाए। सर का कोई राज बताइएगा, सर हर साल मतलब टॉपर कहाँ से इतना ला देते हैं? सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो लगता है कि ऐसा कि कोई टीम वैसा पढ़ाता ही नहीं है। सर इतना अच्छे से समझाते हैं कि कोई भी बच्चा उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है, जिसके कारण बच्चा सबका बहुत ज़्यादा मार्क्स उठता है। बच्चे यहाँ पे समझ के पढ़ते हैं, इसलिए बच्चे जो लिखते हैं वो अच्छा से लिख के आते हैं, इसलिए मार्क्स बढ़ता है। आपका सबसे ज़्यादा किस में आया? मेरा SST में आया, 94। आपका कितना आया नंबर? 401। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। आगे क्या चीज़ की पढ़ाई कीजिएगा? UPSC करना। UPSC का? UPSC मतलब एग्जाम पास करके क्या बनेगा? IAS बनेंगे सर। IAS। थोड़ा जोर से बोलिए। IAS बनेंगे सर। IAS बनेंगे। चलिए, आप क्या बनिएगा? नेट का भी तैयारी करना है फिलहाल। यानी डॉक्टर बनिएगा? जी। कितना नंबर आया? 424। अच्छा, श्रेय सर को जाएगा कि? सर को तो पूरा जाएगा श्रेय। कितने सर आपको पढ़ाते थे? ऐसे 5 सर तो रेगुलर आते थे, उसके बाद नाइट क्लास भी होता था एग्जाम के 2 महीना पहले। अच्छा, एक मिनट, नाइट क्लास भी होता था? जैसे कितना बजे से कितना बजे तक?
6 से 9 तक होता था सर। यस सर, मतलब समझिए कि मोतिहारी का एक ऐसा कोचिंग टेंथ का जहाँ मतलब रात को पढ़ाई होता है, शाम को पढ़ाई होता है, दिन में पढ़ाई होता है। समझिए दिन भर पढ़ाई होता है तो आदमी टॉप काहे नहीं करेगा। आपका कितना नंबर है? 443। सबसे सब मतलब ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में? साइंस। आगे किस चीज़ की तैयारी कीजिएगा? बता नहीं सकते क्योंकि ये सीक्रेट है। अच्छा। मतलब बताया नहीं जाता, कहते हैं कि इससे मतलब चांसेस कम होते हैं आपके बनने के। सर बताया है कि आपको डीएम सर के द्वारा भी कोई सम्मानित मतलब किया, क्या चीज़ का सम्मानित किया जाता है? प्रोग्राम वगैरह था तो उसके लिए हमको सम्मानित किया गया। चीज का? डांस और सिंगिंग। अच्छा, आप डांसिंग भी करती हैं। अच्छा, तो श्रेय सर को जाएगा कि माता पिता को जाएगा, किसको जाएगा? सबसे पहले माता पिता और यशस्वी कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर आर्मेश्वर सर और सभी शिक्षकों को। वो हर क्वेश्चन को बहुत बारीक तरीके से समझाते थे तो बहुत अच्छे से समझ में आता था। आप कितना घंटा यहाँ पे पढ़ते थे? यहाँ पे 4-5 घंटे। रात को भी पढ़ते थे? नहीं, हम लोग का बैच सुबह में था। हाँ, 2 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास। चलिए, मोतिहारी का एक ऐसा कोचिंग जो लगभग 10-12 साल से हर साल टॉप पे टॉप लड़के किए, क्या कहिएगा सर लास्ट में? देखिए, नया बैच जो है वो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और हम लोग का मेहनत करने का जो तरीका है, मेन बैच में तो हम लोग 4 घंटे का क्लास चलाते ही चलाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कमज़ोर लड़के हैं उनको हम लोग रात में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक या फिर 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक कमज़ोर बच्चों के लिए अलग से सुविधा देते हैं, और जो कमज़ोर बच्चियाँ हैं उनको सुबह में 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम लोग अलग से उसको पढ़ाते हैं ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनका भी रिजल्ट बेहतर हो सके। एक और सवाल, फेसबुक पे मैंने सुबह में देखा है कि किसी से टिप्पणी हो गया था। हाँ, कुछ बच्चे थे वो बोल रहे थे कि आपने रिजल्ट कहाँ से खरीदा है, तो वही मैंने बोला है कि भाई अगर आपको जो भी प्रमाण चाहिए आप हमारे संस्था में आकर के ले सकते हैं। और मैंने फेसबुक पे ये बात भी बोला है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे इस 11 में से एक रिजल्ट को भी गलत सिद्ध कर दे रहा है तो मैं उसे 1,00,000 रुपया कैश पुरस्कार दूंगा। अगर एक भी रिजल्ट गलत साबित कर दे रहा है तो 1,00,000 रुपया कैश पुरस्कार वो मेरे ऑफिस में आकर हमसे लेकर के जा सकता है। एक और सवाल, टोटल कितने स्टूडेंट थे टेंथ में? टोटल अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास स्टूडेंट थे। कितना फेल किया उसमें से? उसमें से एक बच्चे का भी फेल नहीं है, 2 बच्चे सेकेंड डिविजन है, बाकी सभी बच्चे फर्स्ट डिविजन है। और एक्चुअल ये है कि अभी सभी बच्चों का रिजल्ट मुझे पता चल नहीं पाया, तो धीरे धीरे सभी बच्चों का रिजल्ट पता चलेगा। 2 बच्चे का सेकंड डिवीजन है, अदरवाइज सभी बच्चे का फर्स्ट डिवीजन है। लॉकडाउन में सर आपने किस तरह से पढ़ाया? लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन क्लासेस का सुविधा किया और जिस बच्चे को ज्यादा दिक्कत होता था मैं उसके घर जाकर के उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता था।